हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सभी एक्स सर्विस मैन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट अपडेट है जिसमें कि हम सिक्स पे कमीशन की बात करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो सभी पी बी जो पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक हैं उनके बारे में जो अभी लेटेस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन आया है उसके बारे में बात करेंगे साथ ही साथ मैं आपको जो है उसका ऑफिस ऑर्डर भी दिखाऊंगा जिससे कि आप देख सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली ऑफिस ऑर्डर है ये सिक्स पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन uh, का जी और ओ के लिए तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिक्स सेंट्रल पे कमीशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है अभी उसका जो इम्पोर्टेंट अपडेट है और इसमें आप देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्स सेंट्रल पे कमीशन फॉर पेंशन ऑफ पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक जो कि डिस्चार्ज हुए हैं ऑन और आफ्टर एक एक दो हज़ार छः और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो अभी लेटेस्ट ऑर्डर आया है एज अमेंडेड वाइड 2012 अंडर विच द पैरा थ्री फाइव इंसर्टेड रिगार्डिंग द नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ लेटर दिस टू जे सी ग्रांटेड ऑनरी कमीशन इसमें इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो द प्रेसिडेंट इज नाउ प्लीज टू डिसाइड दैट प्रोविजन ऑफ दिस मिनिस्ट्री लेट लेटर डेटेड दो हज़ार दस शेल ऑल्सो भी एप्लीकेबल टू पोस्ट एक एक दो हजार छ जो ये दो हजार दस को आया था वो एप्लीकेबल होगा जो एक दो हजार छ ऑन या आफ्टर जो रिटायर हुए हैं जो जे सी ओज और ओ आर उनको ग्रांट किया जाएगा एज लेफ्टेंट एंड कैप्टन द नोशनल पे इन द रिवाइज पे स्ट्रक्चर फॉर दीज रैक्स शेल बी वर्कड आउट बाई एडिंग पे इन द रिवाइज पे बैन इससे क्या होगा उनके पे में भी इंक्रीमेंट होगा और साथ ही साथ जो है आ, रैंक भी मिलेगा जो कि 2010 का रूल था उसको एप्लीकेबल किया जा रहा है जो कि ऑन और आफ्टर जो है डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन और आफ्टर एक एक 2006 तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि द नोशनल पे इन द रिवाइज पे स्ट्रक्चर फॉर दीज रैंक्स शेल बी वर्कड आउट बाई एडिंग पे इन द रिवाइज पे बैंड जो रिवाइज पे बैंड है उसमें पे ऐड की जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग टू द फिक्स्ड पे और फिफ्थ CPC प्लस द ग्रेड पे एंड मिलिट्री सर्विस पे अल्टीमेटली जो है जो ऑन और आफ्टर जो भी पी बी ओ हैं जो कि ऑन और आफ्टर जो है एक एक दो हज़ार छः हुए हैं उनपे जो दो हज़ार दस में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उनके लिए भी अप्लीकेबल होगा उनकी जो है सैलरीज में इंक्रीमेंट होगी और दे आर ग्रांटेड ऑनरे कमीशन एज़ लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन आप देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट अपडेट है और द फाइनेंशियल बेनिफिट इन पास्ट कैसे शैल बी ग्रांटेड फ्रॉम एक एक दो हज़ार छः और जो फाइनेंशियल बेनिफिट इनको मिलेगा वो एक दो हज़ार छः से मिलेगा तो दोस्तों ये था आज का अपडेट अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो